जिला भक्कर में भी मवेशी मंडियां सज गई। व्यापारियों की कुर्बानियों के जानवरों की हमरा अहमद, खरीदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू। मंडियों में सहूलियात का फुकदान है, अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। व्यापारी भर की तरह जिला भक्कर में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है और जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, जबकि ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास बलोच। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की तरह जिला भक्कर में भी मवेशी मंडियां सज गईं। भक्कर में लगने वाली सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदारों का हजूम तो मौजूद है, पर सहूलियात का फुकदान नजर आता है। दीगर शहरों से जानवर खरीद कर आने वालों के लिए ना तो बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह है और ना ही पीने के लिए पानी का बंदोबस्त। पिछले साल की निस्बत इस दफा मंडी बहुत ज्यादा महंगी सारी। पिछले साल जानवर आई 15 से 20 हज़ार रुपए का, मौजूदा इस टाइम वो जानवर मिल रहा है 25 से 30 हज़ार रुपए का। वो भी नॉर्मल हिसाब जानवर है। उस बाद इतना कोई पानी की सहूलत है ना, कोई थे छान छान तो मसले, गर्मी भी बड़े हबस की है बहुत सारी। भक्कर या फिर दीगर शहरों से आने वाले खरीदार कहते हैं कुर्बानी के जानवर बनिस्बत दीगर शहरों के यहाँ महंगे दामों बेचे जा रहे हैं, जबकि जानवर भी कुछ खास नजर नहीं आते, जिसके बायस हमें खाली हाथों वापस लौटना पड़ रहा है। दूसरी जानब मवेशी मंडी के बायस ट्रैफिक शदीद जैम रहने लगा है और मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आया हूँ उस मंडी में, लेकिन यहाँ तो रेट्स देख के हमें परेशानी का सामना है। यहाँ रेट्स इतने डबल हो चुके हैं पिछले साल की नस्बत। जो 20-22 हज़ार का वो मिल जाता था जानवर, वो अब 30 से 35 हज़ार उसके रेट हो गए हैं। तो हमें तो परेशानी इस बात की है कि अब इस बकर ईद पर हम कुर्बानी किस तरह करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो को रिलीफ दे आवाम को, ताकि वो उनकी कुव्वत खरीद बढ़ सके और वो जानवर खरीद के कुर्बानी कर सके। खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों का कहना है कि मवेशी मंडी में पीने के साफ पानी, बैठने के लिए जगह और रोड बंद होने जैसे मसाइल को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी भक्कर।